नमस्कार, मैं योग गुरु राजेश। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आज ऐसे दो आसनों के बारे में बताऊंगा जिनको करके आप अपने पेट के रोगों से मुक्ति पा सकते हैं, और ये दोनों अभ्यास आपके पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाते हैं। आपको यदि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो भी आप इन अभ्यासों को रोज करें, यदि आपको एसिडिटी गैस की प्रॉब्लम है तब भी आपको इन अभ्यासों को रोज करना है। और इन अभ्यासों को करने में आपको केवल 4 से 5 मिनट का समय ही प्रतिदिन लगेगा। तो आप यदि इन अभ्यासों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप देखेंगे 2-3 वीक्स में ही रेगुलर अभ्यास करने से आपके पेट की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, एसिडिटी बनना बंद हो जाती है। बस आपको कुछ अपने आहार पर भी ध्यान देना है, आहार के बारे में भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको। पहले हम आसनों की बात करते हैं। आसनों में पहला आसन वज्रासन। वज्रासन एक ऐसा आसन है जिसे आप खाना खाने के बाद कर सकते हैं, और यदि आप अपनी आदत में वज्रासन को शामिल कर लें तो बहुत ही आपके लिए अच्छा होगा। वज्रासन खाना खाने के बाद एकमात्र किया जाने वाला आसन है। वज्रासन में आप अपने घुटनों को मोड़कर बैठ जाएंगे इस प्रकार से, घुटनों को मोड़े और इस प्रकार से आप बैठ जाएं। दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखें, स्पाइन को सीधा करें, और यदि आप कुछ समय अपने पेट पर, अपने स्टमक पर, इस जगह पर यहाँ अपने फोकस करें, स्टमक भाग पर, आंखें बंद रखते हुए 30 सेकंड से प्रारंभ करके 2-3 मिनट तक इस अभ्यास को आप करें हर रोज। जब भी आप खाना खाएं, खाना खाने के बाद आप सीधा इस आसन में बैठ जाएं, तो ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो भी आपको ये अभ्यास बहुत ही लाभ देगा। दूसरा, जिनका खाना देर से पचता है, यदि आप खाना खाने के बाद आपको खाने का पाचन ठीक से नहीं हो पाता तो आप इस अभ्यास को जब करेंगे तो आपका पूरा पाचन तंत्र ठीक से काम करने लगता है, क्योंकि हमारे घुटने जब मुड़ जाते हैं तो हमारे काफ मसल्स इसमें प्रेस हो जाते हैं, और पूरा जो हमारे आंतों का जो कनेक्शन है, जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं, वो हमारे काफ भाग में हैं, तो आपका काफ के जो पॉइंट्स हैं वो दब जाते हैं और ब्लड का सर्कुलेशन आपके पाचन तंत्र की ओर होने लगता है, तो इससे आपका भोजन बहुत जल्दी पच जाता है। तो इस अभ्यास को आप ठीक से देखें, गलत नहीं करें, और इस अभ्यास को करते समय बातें नहीं करेंगे आप, शांत मन से बिल्कुल बैठ जाएं कुछ समय, जितना आप कर सकते हैं अपनी बॉडी की कैपेसिटी के अनुसार। जो लोग वज्रासन में नहीं बैठ सकते, जिनके घुटनों में पेन है, या जिनको पैरों में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस रहती है, तो ऐसे व्यक्ति वज्रासन ना करें। जिनके घुटनों में पेन है वो तो बिल्कुल भी इस अभ्यास को ना करें, और जिनके घुटनों में पेन नहीं है, पैरों में स्टिफनेस है, तो वो कुछ समय, कुछ सेकंड से प्रारंभ कर सकते हैं आप इसको अपनी बॉडी की कैपेसिटी के अनुसार। तो इस अभ्यास को आप प्रतिदिन करें। दूसरा अभ्यास है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन, इसके नाम से ही आपको विदित हो रहा होगा कि पवन मुक्तासन हमारे शरीर की जितनी भी अपान वायु, जो अपच वायु है, उसको शरीर से मुक्त कर देता है। देखिए, वायु ही शरीर में अवरुद्ध पैदा करते हैं, जितना भी हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन डिस्टर्ब होता है वो वायु के कारण होता है। बॉडी में पाचक जूसेस, जो पाचक रस बनते हैं, वो भी उससे डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो पवन मुक्तासन आपके पेट के लिए रामबाण है। जिन्हें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है, पेट में अफारा आ जाता है, खाना खाने के बाद पेट फूल जाता है, खाना कम खाया लेकिन पेट ऐसा हो जाता है जैसे बहुत ज़्यादा खाना खा चुके हैं, और ऐसे व्यक्ति ज़्यादा खाना खा भी नहीं पाते लेकिन ऐसी फीलिंग होती है उनको, तो आपको पवन मुक्तासन में क्या करेंगे आप, पवन मुक्तासन में आप धीरे से
सीधे लेटेंगे इस प्रकार से, पवन मुक्तासन आप एक एक पैर से भी कर सकते हैं। अब जिनके घुटनों में पेन है वह भी इस अभ्यास को कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए पहले मैं आपको जिनके घुटनों में पेन है उनके लिए इस अभ्यास को बताता हूँ कैसे करें। अपने राइट पैर को उठाएं, श्वास लेते हुए घुटने को मोड़ें और दोनों हाथों से अपने घुटने के नीचे से पकड़ें, इस प्रकार से लॉक करें, पेट पर पूरा दबाव डालें, अपने थाइस का पूरा दबाव पेट के ऊपर बनाएं, कुछ समय रोकें, श्वास को पूरा बाहर छोड़ें, पेट पर पूरा फोकस करें, फिर धीरे से श्वास लें, लेग्स को सीधा करें और वापस ले जाएं। इसी प्रकार से आप दूसरे पैर से भी कर सकते हैं, घुटने को मोड़ें, श्वास को पूरा बाहर छोड़ कर रखें, दबाव दें। और जिनके घुटनों में पेन नहीं है वो इस अभ्यास को यहां से पकड़े, घुटने के ऊपर से दबाव दें, पूरा दबाव पेट पर, अपने कॉलन को दबाएं, तो इस प्रकार से आप इसमें होल्ड करेंगे। लगभग यदि आप एक एक पैर से करते हैं तो 10 से 20 सेकंड 30 सेकंड तक होल्ड करें और पूरा फील करें अपने पेट के भाग को कि आपके पेट पर जो प्रभाव पड़ता है उसे महसूस करेंगे। अब इसी प्रकार इस अभ्यास को दोनों पैरों से भी करें, दोनों पैरों को उठाएं, श्वास लेते हुए इस प्रकार से घुटनों को मोड़ें, दोनों हाथों से लॉक करते हुए दबाव दें, पूरा अपने पूरे एसेंडिंग और डिसेंडिंग कॉलम के ऊपर दबाव बनाएं, इसे होल्ड करके रखें, फोकस करें अपने पेट पर, इससे आपका पाचन तंत्र हेल्दी हो जाता है। धीरे से श्वास भरते हुए लेग्स को ऊपर करें और धीरे धीरे वापस ले जाएं, श्वास को बाहर छोड़ते हुए ये धीरे से वापस ले जाएं। जोर से आप वापस पैरों को नहीं ले जाएंगे, झटके से नहीं वापस ले जाएंगे, धीरे धीरे ही अभ्यास करें। आपने इस अभ्यास को देखा, पवन मुक्तासन एक एक पैर से कैसे कर सकते हैं और दोनों पैरों से कैसे कर सकते हैं। श्वास का विशेष ध्यान रखें, आसन जब भी हम करते हैं तो श्वासों का ध्यान रखेंगे, किस समय हमें श्वास लेना है और कहां श्वास को छोड़ना, और मन को एकाग्र करेंगे, मन की एकाग्रता आसन के प्रभाव को बढ़ा देती है। तो पवन मुक्तासन जिनके घुटनों में पेन है वह भी कर सकते हैं, जिनको नहीं है घुटनों में पेन वह भी कर सकते हैं। पवन मुक्तासन और वज्रासन, ये दो ऐसे आसन मैंने आपको बताए, यदि आप इनको अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके पेट की 99.9% समस्या ठीक हो जाती है, क्योंकि मुख्य रूप से पेट में जो गैस्ट्रिक इश्यूज रहते हैं, पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करता, आप खाना खाते हैं खाना पच नहीं पाता, वही खाना रोग को उत्पन्न करता है। तो आपका खाना यदि ठीक से पचने लगता है तो आप पाते हैं कि सभी रोग आपके ठीक होने लगते हैं। पेट ही हमारे रोगों का मूल कारण है। अब हम बात करते हैं आहार पर। आहार जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है, पेट साफ नहीं होता, वो अपने खाने में सलाद का अधिक से अधिक प्रयोग करें। लगभग 40% फूड आपका कच्चा होना चाहिए, सलाद के फॉर्म में होना चाहिए आपके थाली में आपकी प्लेट में। दूसरा, आप पानी अधिक मात्रा में पिए। गर्मियों के दिनों में आपका जितना वेट है, अगर आपका वेट 70 केजी है तो आप उसे 10 से डिवाइड करें तो कम से कम 7 लीटर आप पानी जरूर पी लें, 6 से 7 लीटर आप पानी जरूर पिए। पानी की कमी के कारण भी हमारे पाचन तंत्र पर बड़ा ही बुरा प्रभाव पड़ता है और आपके एंजाइम्स ठीक से सीक्रेट नहीं हो पाते, वो काम नहीं कर पाते। तो पानी हमारे बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो अपने आहार को ठीक रखें, तली हुई चीज़ें, भारी चीज़ें जिनका डाइजेशन कमज़ोर है, वीक है, वो ना खाएं। आप पहले इन अभ्यासों को करें और प्रतिदिन खाना खाने के बाद पूरा परिवार सब बैठकर जब भोजन करते हैं उसके बाद आप वज्रासन में जरूर बैठें,
आप पाएंगे कुछ ही दिनों के अभ्यास से आपको पेट के रोगों में रामबाण लाभ होता है। और ऐसे कुछ वीडियो हम आगे भी बनाने वाले हैं जो आपके पेट को ठीक भी करेंगे करते हैं और आपके पेट का फैट भी कम करेंगे। पेट पर जो फैट जमा हो जाता है डाइजेशन ठीक से न होने के कारण जो फैट बॉडी में डिपॉजिट होता है तो उसका अधिकांश भाग पेट पर रहता है। तो पेट के हम फैट को कैसे कम करें इसके लिए हम एक वीडियो अभी आपको जल्दी ही देंगे। तो आप लोग सभी हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपको योग आयुर्वेद से संबंधित जानकारियाँ मिलती रहेंगी। आप लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें। ओम शांति।